21 जून 1980 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ ही महीने पहले सत्ता में वापस लौटी थी। 77 में उन्होंने सत्ता गंवाई थी इमरजेंसी की जाप्तियों के चलते, मगर महज 2-2.5 साल में देश को समझ में आ गया था कि जनता पार्टी के नाम पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो इस देश पर शासन करने की काबिलियत नहीं रखते हैं। इंदिरा की सत्ता वापसी का श्रेय सबसे ज़्यादा उनके बेटे संजय गांधी को दिया जाता है, जिन्होंने टिकट वितरण किया, युवाओं को मौके दिए। इतना ही नहीं, जब इंदिरा वापस सत्ता में आ गई तो संजय की सलाह पर ही उन्होंने 9 राज्यों में जहां पर विरोधी दलों की सरकार थी विधानसभा भंग कर दी, दोबारा चुनाव हुए और 8 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में लौटी। संजय गांधी की सत्ता पर वापसी और संगठन पर मजबूत पकड़ का ये सिलसिला चल ही रहा था और इसी क्रम में मई 1980 में इंदिरा गांधी ने ये ऐलान किया कि उनका छोटा बेटा संजय गांधी अब कांग्रेस का महासचिव भी होगा। अमेठी से वो सांसद पहले ही थे, लेकिन जब संजय गांधी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे 1977 में, तब उन्हें जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने 56,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया था। ये बात और है कि 3 बरस बाद संजय को अपना राजनीतिक इंतकाम मिला और वो 50% से भी ज़्यादा वोट पाकर सांसद बने। संजय जिस तरह की सियासत करते थे उनकी निजी फितरत भी बिल्कुल वैसी ही थी, खतरों से बेपरवाह होकर खेलना, मानो सब कुछ शाश्वत हो। जब वो सफदरजंग रोड पर अपनी मेटाडोर चलाते थे तो इस तरीके से कट मारते थे कि तमाम जवान लड़के भी खौफ से शर्मा जाएं। जब वो प्लेन चलाते थे तब भी कुछ इसी किस्म की हरकतें करते थे। यहाँ मुझे किस्सा याद आ रहा है इंदिरा गांधी के खास सहयोगी और उस वक्त के चर्चित संत धीरेंद्र ब्रह्मचारी का। कहा जाता है कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी इंदिरा के योग गुरु थे और उनके आवास पर ही उनका आश्रम सा चलता था। ये वाकया है 21 जून का, यानी संजय की मौत से 2 दिन पहले का। धीरेंद्र ब्रह्मचारी कश्मीर से एक चार्टर्ड प्लेन से वापस लौटे और एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात संजय से हो गई। संजय बोले, आइए स्वामी जी, आपको हवा की सैर एक बार फिर से करवाता हूँ संजय गांधी की स्टाइल में। धीरेंद्र ने कहा, संजय मैंने तुम्हारी चपलता के किस्से सुने हैं, मुझे बख्श दो। इस किस्से का एक और गवाह है संजय गांधी की माँ इंदिरा गांधी के सहयोगी आर के धवन। दरअसल अगले रोज इतवार था और इस बार धवन साहब संजय के प्रलोभन में आ गए। संडे को जब संजय गांधी सफदरजंग एयरपोर्ट के दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक प्लेन को उड़ाने के लिए निकले तो उनके साथ आर के धवन सवार थे और हवा में चंद मिनट बिताने के बाद जब धवन वापस लौटे तो शाम को उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं आज के बाद कभी भी संजय के साथ सवारी नहीं करूँगा। इंदिरा के लिए ये सुनना नया नहीं था, बार बार तमाम ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता उन्हें बता रहे थे संजय के इस एडवेंचरिज्म के बारे में। यहाँ तक कि माँ ये मन बना चुकी थी कि वो कह दें कि संजय तुम्हें इस देश को संभालना है, इसलिए एयरक्राफ्ट संभालना और उस पर भी इस तरह की हरकतें करना बंद करो। लेकिन तारीख जानती है कि माँ हमेशा की तरह संजय को वो बात नहीं कह पाई जो सही थी और उसके बाद उन्हें जवान बेटे की लाश पर फफक कर रोना पड़ा। अब बात संजय गांधी की मौत वाले दिन की, यानी 23 जून 1980। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास से सुबह 7:15 बजे एक हरे रंग की मेटाडोर कार निकलती है। हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पर संजय सवार थे। संजय का उन दिनों का ये शगल था कि वो सुबह सवेरे नज़दीकी सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंच जाते थे ताकि वहां पर उपलब्ध एयरक्राफ्ट पर सवार होकर हवा में कलाबाजियां खा सकें। ये संजय का शौक था जो दिनों दिन परवान चढ़ रहा था और 23 जून को वो ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि वो पहली मर्तबा एक नए आए एयरक्राफ्ट पिट्स S2A पर सवारी करने वाले थे। ये लाल रंग की एक शोक चिड़िया थी जो अपनी बनावट, अपने हल्के इंजन की वजह से हवा में गोतेबाजी करने के लिए बहुत ही मुफीद थी। सफदरजंग एयरपोर्ट पर संजय का इंतज़ार कर रहे थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना। संजय और सुभाष एयरक्राफ्ट पर सवार हुए और उन्होंने उड़ान भरी। थोड़ी देर में प्लेन अशोका होटल के ऊपर था और फिर उसने गोल गोल कलाबाजियां करना शुरू किया। लेकिन कुछ ही मिनट बीतने के बाद जब संजय ठीक अपने विलिंगडन क्रिसेंट के दफ्तर के ऊपर कलाबाजियां खा रहे थे, प्लेन पर उनका नियंत्रण खत्म हो गया और कुछ ही मिनटों के बाद एक अजीब सी घड़घड़ाहट के साथ, जैसे अचानक बीच सड़क पर स्कूटर बंद हो गया हो, प्लेन रुक गया और आवाज़ें करता हुआ नीचे गिरा। संजय गांधी का एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका था। ये खबर सरकारी एजेंसियों तक पहुंची और 15 मिनट के भीतर वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग एम्बुलेंस के साथ मौजूद थे।
लेकिन एम्बुलेंस की शायद अभी उतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एयरक्राफ्ट का मलबा पेड़ों के बीच फंसा हुआ था। तमाम शाखाओं को काटा गया और दो शव बेहद करीने से नीचे उतारे गए। ये लाशें थी सुभाष सक्सेना और संजय गांधी की। दोनों को एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकाल के लाल कंबल में लपेट कर रख दिया गया और होने लगा इंतजार, क्योंकि कुछ ही मिनटों में वहां देश की सबसे ताकतवर शख्सियत सबसे बेबस मां के स्वरूप में सामने आने वाली थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही ये खबर मिली कि उनके बेटे का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, वो अपने सहयोगी आर के धवन के साथ मौके पर पहुंची। कार एक्सीडेंट की जगह से कुछ ही यार्ड पहले रुकी। इंदिरा नीचे उतरी और बेसाख्ता दौड़ने लगी। चंद कदमों के बाद ही शायद उन्हें यह एहसास हुआ कि वहां पर सैकड़ों की भीड़ खड़ी है और वो सिर्फ माँ इंदिरा को नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी देख रही है। इंदिरा के कदम कुछ ठिठके। वो पास में पहुंची, उन्होंने लाल कंबल हटाया और बेटे के शव को देखकर बिलख कर रोने लगी। एकलौता मौका था जब लोगों ने देश की आयरन लेडी को इस तरीके से भावुक होते हुए देखा था। संजय के शव को दो दिन रखा गया इंतजार था, क्योंकि उनके बड़े भाई और इंडियन एयरलाइंस के पायलट राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया और बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ इटली में छुट्टियां मना रहे थे। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी तो मौके पर मौजूद थी, लेकिन मेनका का संभल रहे उनके भाई भी विदेश में थे। इनका इंतजार किया गया और दो रोज के बाद संजय का अंतिम संस्कार हुआ और उसके साथ ही सियासत में नए सिरे से तमाम आशंकाएं और प्रत्याशाएं सर उठाने लगी। अब कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में कांग्रेस और सरकार में इस तरीके की व्यवस्था बन गई थी कि इंदिरा गांधी विदेशी मामले और राजनीति के बड़े बड़े मामले देखती थी, जबकि संगठन और राज्यों की सियासत पूरी तरह से संजय गांधी के कब्जे में आ चुकी थी। हालिया चुनाव में जिन 8 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, वहां के मुख्यमंत्री भी संजय गांधी ने चुने थे। यही बात प्रदेश अध्यक्षों पर भी लागू होती थी। तो सवाल ये था कि अब संजय के बाद कौन, क्या संजय की पत्नी मेनका गांधी या संजय के बड़े भाई राजीव गांधी। हम सब जानते हैं कि इसका जवाब राजीव गांधी है, जिन्हें इंदिरा ने अपनी सियासत की बागडोर सौंपी। इसके बावजूद कि राजीव को सियासत से कतई लगाव नहीं था और इसी वादे के साथ उन्होंने सोनिया गांधी से शादी भी की थी, लेकिन एक माँ की बेबस पुकार के आगे एक पति की दी हुई कसम नहीं चली। संजय गांधी को बार बार इमरजेंसी के खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। कुछ लोगों ने यूं भी याद करते हैं कि यदि संजय आज होते तो ये देश कब का अनुशासन के हाईवे पर चलकर तरक्की कर चुका होता, क्योंकि संजय अपनी माँ की तरह समाजवाद की ढपली बजाने में यकीन नहीं करते थे। संजय का रुख फैक्ट्रियों की तरफ था, संजय का रुख कैपिटलिज्म की तरफ था और शायद उसकी पहली लेकिन असफल वानगी जनता के कार प्रोजेक्ट में दिखी, जिसे हम सब मारुति के नाम से जानते हैं।